इस वीडियो में हम ऐसे टूल के बारे में देखने वाले हैं जो एक वीडियो क्रिएटिंग मॉडल है जो टेक्स्ट वीडियोस क्रिएट करता है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में पीका लैब्स के बारे में देखा, उसी सेम कंसेप्ट पर ये टूल भी काम करता है, लेकिन ये टूल पीका लैब से थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। उसके फीचर्स क्या है, उसे कैसे यूज करना है और पीका लैब से ये टूल अलग है या नहीं, या फिर उससे भी एडवांस हो सकता है या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस टूल का नाम है पिक्सवर्स, जो टेक्स्ट वीडियोस क्रिएट करता है। इसी टूल के बारे में आज हम देखेंगे। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं द डिजाइनर बुक चैनल, जहां मैं एक्सप्लेन करता हूं न्यू AI टूल्स एंड डिजाइन टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी लिंक्स वीडियोस में मैं मेंशन करने वाला हूं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये टूल बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली है, जिसे एक प्रोफेशनल या एक बिगिनर बड़ी आसानी से यूज कर सकता है और उनके क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। तो इस टूल को कैसे यूज करना है और कैसे ऑनबोर्ड करना है, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाते हो। यहाँ पर आप दो बटन्स देख सकते हो, गेट स्टार्टेड इन वेब एंड डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पर आपने क्लिक किया है, तो आप जो डिस्कॉर्ड का पेज है वहां पर आपको जाना है और एक्सेप्ट इनवाइट करना है, और एक्सेप्ट इनवाइट करने के बाद आप पिक्सवर्स का जो डिस्कॉर्ड का पेज है उस पेज पर पहुंच जाते हो इस तरह। तो मैंने ऑलरेडी इसका इनवाइट ले लिया है पिक्सवर्स का, तो यहां पर मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। तो इस तरह का जो पिक्सवर्स का डिस्कॉर्ड का पेज है वो हम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं इनके बहुत सारे रूम्स देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो जनरेट रूम 1, जनरेट रूम 2, जनरेट एनिमी, जनरेट मीम और जनरेट इमेज, इस तरह के अलग अलग कम्युनिटी सपोर्ट जनरेट, ये बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मिडजर्नी है, पीका लैब्स है, सभी सेम प्रोसेस से काम करते हैं, उसी तरह ये सेम प्रोसेस से पिक्सवर्स भी काम करता है। अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है तो यहाँ पर किसी भी रूम पर जाकर आप यहाँ पर क्रिएट की हुई ये जो वीडियोस है वो चेक कर सकते हो। उन पे जो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर यूज किए हैं, वो प्रॉम्प्ट्स किस तरह यूज किए हैं वो आप चेक कर सकते हो। ये देखिए बहुत सारे वीडियोस लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हो, और किस तरह के प्रॉम्प्ट्स वाले वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह आपको पिक्सवर्स का जो डिस्कॉर्ड का पेज है उस पे आप ऑनबोर्ड हो सकते हो। तो अगर आपको वीडियो क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम अलग अलग रूम्स देख सकते हो, इसमें से किसी भी रूम पर आपको ज्वाइन होना है। यहाँ पर नीचे ये मैसेज का बार यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर स्लैश टाइप करके एनिमेट का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। एनिमेट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक इमेज का बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको कोई भी इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है या फिर ड्रैग करके भी आप यहाँ पर उसको डाल सकते हो। जैसे कि ये इमेज यहाँ पर मैंने मिडजर्नी में क्रिएट किया, वो यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दी है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर नीचे हम थ्री मोर का जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मोशन का एक ऑप्शन आता है, इसमें आपको मोशन डालना है। तो 1 to 10 में कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, जैसा मैं यहाँ पर 8 डाल रहा हूँ। उसके बाद प्लस 2 मोर पर क्लिक करना है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट आपको डालना है। मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालता हूँ स्मोकी मूविंग बॉडी, जो भी प्रॉम्प्ट आपको डालना है वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर इमेज के रिलेशन में जो भी प्रॉम्प्ट डाला है, जैसे कि यहाँ पर स्मोकी मूविंग बॉडी, और फिर उसके बाद प्लस 1 मोर पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर आपको सीड डालना है, सीड में आप कुछ भी नंबर टाइप कर सकते हो, जैसे कि ये रैंडम नंबर मैंने टाइप किया है। आपको अगर वो नहीं डालना है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद कुछ ही देर में आपको एक वीडियो का आउटपुट पिक्सवर्स अवेलेबल करके देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए पिक्सवर्स ने हमें ये ऑप्शन यहाँ पर दिया, देख लेते हैं। तो ये देखिए ये ऑप्शन हमें पिक्सवर्स ने अवेलेबल करके दिया है। तो इस तरह एनिमेट का ऑप्शन क्रिएट करके आप किसी भी इमेज को एनिमेशन दे सकते हो या फिर उसको मूव कर सकते हो। उसके बाद हमें फिर से स्लैश टाइप करना है, और स्लैश टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट टाइप करता हूँ। क्रिएट में हम नया वीडियो प्रॉम्प्ट डालकर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालता हूँ, अ क्यूट लिटिल गर्ल लुकिंग एट द कैमरा स्माइलिंग। यहाँ पर स्टाइल में तीन अलग अलग स्टाइल्स हम देख सकते हैं, रियलिस्टिक एनिमी एंड 3D एनिमेशन। मैं यहाँ पर 3D एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ, और 3 मोर पर हम यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ ब्लरी, लो क्वालिटी, डिस्टॉर्शन, पिक्सेलेटेड, और उसके बाद 2 मोर पर क्लिक करना है, एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो 16:9 डालता हूँ, और कैरेक्टर यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, उसमें से कोई भी स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर ये हुता होकर के कोई कैरेक्टर है उस पर मैंने क्लिक किया है, और एंटर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए ये 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर पिक्सवर्स ने दिया है, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये थर्ड वाला ऑप्शन है,
और ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रीडू का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एक्चुअली हमने जो मॉडल्स जो सिलेक्ट किए उस पर भी ये जो आउटपुट्स है वो डिपेंड करते हैं, कौन सा मॉडल हम चूज करते हैं उसके ऊपर ये जो रिजल्ट्स हम देख सकते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे अलग अलग ये बटन देखते हैं, यहाँ पर ये लाइक के बटन दिए हैं, किसी भी एक में से आपको लाइक करना है तो ये नंबर्स यहाँ पर दिए, उसमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उसको आपको लाइक करना है। नीचे यहाँ पर अपस्केल के बटन दिए हैं, जैसे मिडजर्नी में अपस्केल का बटन है वैसे ही सेम यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को अगर आपको अपस्केल करना है तो यहाँ से आप अपस्केल कर सकते हो। और वेरिएशन आपको चाहिए किसी भी वीडियो का तो यहाँ से ये V1, V2, V3 या V4 पर आप किसी भी ऑप्शन को अगर आपको अलग वर्जन चाहिए तो यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये V4 लिखा है तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हो या फिर सबमिट करके कोई और एक ऑप्शन उसका क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रीडू का एक ऑप्शन दिया गया है तो उसको आप रीडू कर सकते हो या फिर उसको ये पिक्स फर्स्ट फिर से एक नया ऑप्शन आपको अवेलेबल करके देता है। और डिलीट करना है तो ये जो डिलीट का बटन दिया गया उस पर आप पर क्लिक करके ये जो पोस्ट है वो डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह आप क्रिएट और एनिमेट कर सकते हो पिक्स फर्स्ट का यूज करके। और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, एक टिप देना चाहूंगा कि ये पिक्स फर्स्ट को आप वेब पर भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पिक्स फर्स्ट की जो वेबसाइट है यहाँ पर जाएंगे तो गेट स्टार्टेड इन वेब का ऑप्शन भी यहाँ पर पिक्स फर्स्ट ने अवेलेबल करके दिया है। तो उस पर अगर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये पिक्स फर्स्ट का वेब वर्जन आप हम देख सकते हैं। यहाँ पर पॉपुलर वीडियो जैसे लोगों ने बनाया हुए वो हम देख सकते हैं। माय वीडियोस में जो भी हम वेब पर वीडियोस क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और माय कलेक्शन में हमने जो भी वीडियोस के कलेक्शन किए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे तो ये जो पॉपुलर वीडियोस में अगर हम जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया है ये जो लाइक वाला बटन है वहाँ पर क्लिक करने के बाद हम माय कलेक्शन में जाएंगे और ये कलेक्शन में चला गया है। तो इस तरह यहाँ पर माय कलेक्शन में ये वीडियोस हम देख सकते हैं। और क्रिएट अगर आपको करना है तो यहाँ पर जाकर आप क्रिएट कर सकते हो, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो वेब वर्जन पर अगर आपको क्रिएट करना हो तो यहाँ पर जाकर आप क्रिएट पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम ये पैनल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डालना है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट डालना है। और यहाँ पर नीचे ये तीन स्टाइल्स हमें यहाँ पर दिखाई देती है, उसपे से कोई भी स्टाइल आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर नीचे एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सीड आप चेंज कर सकते हो और क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। तो एक प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट डाला है अ क्यूट ड्रैगन प्लेइंग विद अ टॉय। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मैं वही प्रॉम्प्ट डालता हूँ जैसा मैंने डिस्कॉर्ड पर डाला था, ब्लरी डिस्टॉर्शन पिक्सेलेटेड लो क्वालिटी, ये मैंने नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाले। यहाँ पर इंस्पायरिंग प्रॉम्प्ट टू ड्यूअल क्लिप्स, यहाँ पर अगर आप ये टॉगल सिलेक्ट करते हो तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं रिजल्ट्स में, तो ये मैं टॉगल ऑन रखता हूँ। नीचे जाने के बाद आपको स्टाइल सिलेक्ट करनी है, रियलिस्टिक हो या एनिमी हो या 3D एनिमेशन हो, यहाँ पर मैं एनिमी सिलेक्ट करता हूँ। और नीचे आपको एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है, एस्पेक्ट रेशियो में 16:9 ही रखता हूँ। उसके बाद सीड आपको यहाँ पर नीचे आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो स्क्रोलर दिया है वो आपको चेंज करना है। और उसके बाद क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर ये जो दो रिजल्ट्स है वो दो रिजल्ट्स आपको पिक्स फर्स्ट प्रोवाइड करके देता है। तो अगर इस टूल को हम पीका लैब से कंपेयर करेंगे तो पीका लैब्स के कंपेरिजन में ये टूल बहुत ही बेसिक लेवल पर है। पीका लैब्स में हम बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोशन हो या फिर फ्रेम रेट हो या फिर कैमरा की मूवमेंट हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस पीका लैब में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पिक्स फर्स्ट में उतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पीका लैब के साथ पिक्स फर्स्ट कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हम देख सकते हैं वो रिजल्ट्स बहुत ही बेटर है। जैसे कि ये वीडियो मैंने बनाया, ये वीडियो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया, ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन और इम्प्रूव करने की जरूरत है पिक्स फर्स्ट को। तो हम ये कह सकते हैं कि पिक्स फर्स्ट और पीका लैब इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, हालांकि पिक्स फर्स्ट से इनिशिएटिव स्टेज पर है। तो ये देखिए पिक्स फर्स्ट ने ये दो ऑप्शन हमें दिया है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है और ये सेकंड वाला ऑप्शन है। ये देखिए इसमें जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स इतने अच्छे नहीं है जैसे हम पीका लैब में देख सकते हैं। इसमें हम ये अलग अलग स्टाइल है वो स्टाइल भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट डाला है लिटिल गर्ल वॉक इन एले, नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स मैंने सेम रखे हैं, इंस्पायरिंग प्रॉम्प्ट टू ड्यूअल क्लिप्स में यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ
और ये जो स्टाइल है स्टाइल में मैं रियलिस्टिक डालता हूँ और एस्पेक्ट रेशियो में चेंज करता हूँ, वर्टिकल लेता हूँ 9:16, सीड में यहाँ पर चेंज करता हूँ और मैंने क्रिएट पर क्लिक किया है। तो जो स्टाइल्स है ये अलग अलग स्टाइल्स हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पर अगर हम जाएंगे तो स्टाइल में अगर हम ऑप्शन हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टाइल्स हमें अवेलेबल करके दिए है पिक्सवर्स ने। तो डिस्काउंट पर हम अलग अलग स्टाइल एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन वेब पर हमें ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए पिक्सवर्स ने ये ऑप्शन हमें दिया है, ये देखिए ये बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा हाथ की साइड में हम देख सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हम देख सकते हैं, लेकिन ये चल सकता है, बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह हम ये ऑप्शंस ट्राई करके देख सकते हैं, ये तीन स्टाइल्स 3D एनिमेशन, एनिमी एंड रियलिस्टिक, ये तीन स्टाइल्स हम देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। पिक्सवर्स का ये जो टूल है पिकल ऐप से हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जिस स्टेज पर ये टूल है उससे बेटर रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। तो आज का ये पिक्सवर्स का टूल आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में मेंशन करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।